फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आशा और आज आप देखने जा रहे हैं तो मैं आपको आज क्या सिखाने वाली हूं। मैं आपको सिखाने वाली हूं धनिया और पुदीना की चटनी, जो कि लोगों को आती होगी, लेकिन मैं किस स्टाइल में बनाती हूं मैं आपको वो सिखा रही हूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसका सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तैयार हो ना, तो आ जाओ। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ। तो मैंने प्रिपरेशन कर रखी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है धनिया जो कि मैंने धो के रखा हुआ है, और ये है पुदीना, ये भी मैंने धो के रखा है। पुदीना की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी कम रखी है क्योंकि पुदीना थोड़ा सा बिटर होता है, यानी कड़वा होता है, तो वो चटनी का टेस्ट ख़राब कर सकता है, इसलिए हमने थोड़ा कम रखा है। मैं अपनी चटनी में एक टमाटर, एक प्याज और लेमन, देखेंगे खटास कितनी चाहिए उसी हिसाब से हम डालेंगे। ये मिर्च, हरी मिर्ची, थोड़ा सा गार्लिक एंड जिंजर, और हमें चाहिए थोड़ा सा, आप चाहे तो ऑलिव ऑयल या थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं, जीरा, काला नमक एंड वाइट सॉल्ट। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अब मैं, ये है मिक्सी का जार, इसमें मैं सारा सामान डाल दूँगी। पहले हम इसको पीसेंगे, तो देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम हरी मिर्ची डाल देंगे, आप कितना स्पाइसी खाते हो उतना। ये मैंने दो हरी मिर्ची मैं बाद में डालूंगी, और ये मैंने जिंजर, गार्लिक, अनियंस, टमाटो डाल दिया। इसमें हम डालेंगे पुदीना, तो गाइस अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा यानी क्यूमिन सीड्स और वाइल्ड सॉल्ट एक चम्मच, और ये ब्लैक पेपर, और सॉरी ब्लैक सॉल्ट। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा पानी, और हाँ थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे, ये मैं डाल रही हूँ, इसमें ऐड कर रही हूँ। ये मैंने दो चम्मच के करीब ऑयल डाला है, मेरे पास ऑलिव ऑयल नहीं था तो मैंने रिफाइंड डाला है। अब इसको मैं पीस लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं चटनी पीस चुकी है, अब इसमें थोड़ा सा लेमन डालेंगे स्क्वीज करके, तो वेट करेंगे। तो मेरी चटनी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो चटनी हो गई है ऑलमोस्ट डन। ये देखिए, ये मैंने इस बर्नी में भर ली है, उसको मैं फ्रिज में ठंडी करने के रख दूँगी। अच्छा आ रहा ना कलर, इसको आप पकौड़े, स्नैक्स, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, खाने में